जहां एक ओर यूपी की योगी सरकार क्राइम कंट्रोल करने का दम भरती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जनपद लखीमपुर में उस समय देखने को मिला जब करीब एक दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पेट में जा लगी, जिससे युवक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजनों ने आलन फालन में छात्र को शाहजहांपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद सीओ श्रेष्ठा ठाकुर ने युवक के बयान लिए और उसके बाद युवक को बरेली रेफर कर दिया गया। की जा रही है ये, अभी मुझे आधे घंटे हम लोग को सूचना हुई है कि किसी गांव में किसी बात को लेके विवाद, शायद बंदर उन्दर को लेके, बंदर को भगाने को लेके विवाद, इन दोनों पक्षों में आपस में गोली चली है। इसमें घायल है, मैं अभी अस्पताल आई हूँ। अंतिम इसके बाद यहाँ जिस तरीके से ये लोग ठहर गए उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करी जाएगी। थैंक यू। सोनेन यादव, उम्र 26 साल, पिता का नाम छोटेलाल, निवासी रतनपुर, थाना बसगवा, लखनऊ खीरी, को उनके भाई विनोद यादव यहाँ लेके आए। उसके पेट में गोली लगी है और एक बाईं तरफ घाव भी है, तो ऐसा लग रहा है कि गोली आर पार हो गई है। मरीज की कंडीशन गंभीर है, भर्ती करके इलाज किया जा रहा है।